Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our chapter number 42, Doctor Says. Okay? Doctor Says means क्या है? इसमें आपको सारे disease के बारे में है पूरा chapter. ठीक है? इसके पहले वाला देखो, आपको portion आ गया है, 39 chapter तक आएगा. हम लोग उसके आगे का February का कर रहे हैं portion. ठीक है ना? तो इसमें एक चीज और मैं आपको भेजने वाली हूँ, two names of each, है ना? तो उसमें आप लोगों को उस हिसाब से अभी जो आपकी टेस्ट है FA3 उसके हिसाब से आपको करना है. ठीक है, वो तो मैं पहले समझा चुकी हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को करना है. ठीक है, अब इसमें देखो जंबल वर्ड्स में डिसीज के नाम दिए हुए हैं, वो कौन सी डिफिशियंसी के कारण जो है आपको ये डिसीज होती है. ठीक है, कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन गिवन फ्लो, है ना, उसमें कौन सी चीज की कमी होती है, कौन से विटामिन की कमी होती है, इसके कारण से हमको ये डिसीज होती है. ठीक है, तो जंबल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको जो है यहाँ पर उसको आपको याद करना है, सिर्फ विटामिन लिखे हैं वो और कौन सी बीमारी होती है वो उसकी डिफिशियंसी के कारण, है ना, कि हम विटामिन ए नहीं लेते हैं. जैसे हमने हिंदी में कैसा शो का जो पढ़ा था वो ये चैप्टर, है ना, उसमें मैंने आपको सारी वेजिटेबल्स के बारे में बताया, कौन सी वेजिटेबल्स के बारे में मतलब क्या विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, तो उसी हिसाब से, है ना, उसकी कमी जब हमारे शरीर में होती है तो क्या होता है, बीमारियां होती है हमारे शरीर में, है ना, जब बहुत कमी हो जाती है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और कौन कौन से डॉक्टर के पास कौन सी बीमारी होती है तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपको इस चैप्टर में है. अब देखो फर्स्ट वन है विटामिन ए. विटामिन ए जब हमारे बॉडी में कम होता है तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, बराबर है ना, तो विटामिन ए जो है, ए वाली जो भी चीजें होती है वो हमारी बॉडी में जाना चाहिए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बराबर है ना, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं या फिर आप लोग कोई टॉनिक वगैरह लेते हो, है ना, उसमें भी तो वो सब होता है, उससे हमारी कमी पूरी हो जाती है, बराबर, जैसे हमारे शरीर में जो कमी होती है हमको टॉनिक वगैरह लिखते हैं ना, बच्चों को लिखते हैं, आयरन की कमी होती है तो टेबलेट्स देते हैं, है ना, इस टाइप से, तो सारा आपको इसी टाइप से समझना है इसको. सेकेंड में है बेरी बेरी विटामिन बी. अब इसको लर्न करना है, इसको मैथ ऑफ फॉलोइंग में भी आपको आ सकता है और डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ सकता है, ज्यादा करके तो मैथ ऑफ फॉलोइंग में आता है, और टू नेम्स ऑफ ईच में डिसीजेस के नाम आएंगे और विटामिन के नाम आएंगे. ठीक है ना, विटामिन ए बी सी डी और ई, ये पांच आपको इसके अंदर पढ़ना है. ठीक है ना, डिसीज के नाम आएंगे वो आपको कोई भी दो डिसीज के नाम आपको याद करके रखना है, टू नेम्स ऑफ ईच के लिए. ठीक है, विटामिन सी में स्कर्वी, कैल्शियम की कमी हो जाती है. ठीक है, और विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई लिवर डैमेज, और विटामिन के एक और है लास्ट में, ई के बाद में है ब्लीडिंग टेंडेंसी. ठीक है, जहां पर भी हमको पोटेशियम हमारे बॉडी में कम होता है तो उससे जो है वो कहीं आप गिर जाते हो, जैसे आपको लगता है तो उसका ब्लीडिंग जो है बंद नहीं होता है. ठीक है, तो उसको इस हिसाब से करना है. सेकेंड में है कैन यू मेजर डिसीज विद द कॉज, है ना, तो आपको जो डिसीज है वो किस कारण से होती है वो आपको लिखना है. फर्स्ट वन डिसीज का नाम लिखा है और इसके आगे किसके लैक होने के कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है. जैसे एनीमिया है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ब्लड हमारे बॉडी में कम हो जाता है, तो उससे ये वाली आपको एनीमिया की बीमारी होती है. प्लेग जो है वो बैक्टीरिया, मलेरिया है, प्रोटोजोआ, मीजल्स हैं, वायरस, है ना, गोइटर है, लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में होती है तब, और रेबीज है, बाइट ऑफ ए रैबिट डॉग, है ना, कोई डॉग जो है वो पागल हो जाता है ना, जब मैड डॉग हो जाता है उसके कारण से रेबीज की बीमारी उनको होती है. ठीक है, जैसे इधर उधर दौड़ते रहते हैं ना और फिर किसी को भी काट लेते हैं इस टाइप से. ये दोनों समझ में आ गई अच्छी तरह से, मैं इधर फॉलोइंग नहीं करना है और टू नेम्स ऑफ ईच में करना है, आ गया समझ में. फिर नेक्स्ट देखो व्हेन वी आर सिक वी गो टू अ डॉक्टर. ठीक है ना, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बट वी नो वी गो टू अ पर्टिकुलर डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बीमारी हुई और हम किसी और दूसरे डॉक्टर के पास गए. ऐसे तो डॉक्टर ऐसे सिंपल होती है, सर्दी खांसी तो कोई डॉक्टर लिख सकता है दवाई, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो क्या होता है, आपको पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है. जैसे हार्ट की बीमारी है तो आपको हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, स्किन डिजीज है तो आपको स्किन वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बराबर है, वही आपका प्रॉपर इलाज जो है कर सकता है. ठीक है, वी गो टू अ पर्टिकुलर डॉक्टर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, है ना, जो हमको डिजीज है उस हिसाब से हम जाते हैं. फर्स्ट वन है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, है ना,
तो इज नोन एज ईएनटी डॉक्टर, है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो ईएनटी का मतलब है ई फॉर ईयर है, नाक कान और थ्रोट मतलब गला, नाक कान और गले के डॉक्टर के पास हम जाते हैं, है ना, ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे आपको स्किन डिसीज हुई है ना, हाथ में कुछ जैसे आपको ये हो जाते हैं ना, कुछ रैशेस हो जाते हैं या फिर कुछ फुंसियां हो जाती है ना, फुल्ले हो जाते हैं आपको, तो वो हम किसके पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। हम खाली ऐसे सिंपल बोल देते हैं डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन पर्टिकुलर उसका नाम होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। और ईएनटी डॉक्टर का भी नहीं समझाया है ना, तो वो लोग जो है हमारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जैसे किसी का गला ज्यादा खराब होता है, ऑपरेशन भी होता है, कान का ऑपरेशन होता है, तो उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है, ठीक है। दर्द की तो कोई भी दवाई दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन्स अवर ब्लड सैंपल्स यूरिन एक्सेट्रा इन अ लैबोरेटरी। आपने यहाँ पे देखी होंगे ना, पैथोलॉजी होती है ना, पैथोलॉजी की दुकान जहां पर भी ये होता है पैथोलॉजी का, तो वहां सेंटर होता है, तो वहां पे हम लोग जाते हैं और हमको जो भी टेस्ट कराना होता है, ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, तो हमारा वो सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, सैंपल लेके और फिर अपने पास रखते हैं, फिर हमको जो है वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो वो कौन सी जगह होती है, वो लोग कौन होते हैं पैथोलॉजी में काम करते हैं, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपको पैथोलॉजिस्ट लिखना, लेबोरेटरी में काम करते हैं, वहां छोटी लैब होती है, बराबर है ना, और वहां पर ये सब चेकिंग होती है, ठीक है ना। आप आपका सैंपल ले लेते हैं, फिर आपको डेट बताते हैं कि आप इस डेट को आके ले जाना, आपकी पूरी रिपोर्ट उसके अंदर आती है, उससे हमारे डिसीज का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है अ न्यूरोसर्जन परफॉर्म्स सर्जरीज रिलेटेड टू अवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे जो भी ये है, तो न्यूरोसर्जन जो है, जैसे ब्रेन वगैरह में हमारे कुछ हुआ है ना, ब्रेन जो है किसी किसी का कभी लग जाता है, कुछ होता है, ऐसे होता है ना, तो उससे रिलेटेड है ना, ब्रेन कम काम करता है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो वो जो है वो कौन करता है, न्यूरो सर्जन। आ गया समझ में, इसको बहुत ही लिख कर अच्छे तरह से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रंस डिजीजेस। बच्चों वाला डॉक्टर होता है, जैसे आप लोगों को होता है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हो ना, है ना, तो उसको बोलते हैं पेड्रेटिशियन, पेड्रेटिशियन, है ना, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं तो उनको दिखाते हैं, है ना, वो तो बड़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी बीमारियां जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वो कि इनको क्या हुआ है, और आपको उसी से उसी हिसाब की दवाइयां देते हैं। बड़े लोग जाते हैं तो उनको उसी हिसाब की दवाई होती है, 2 चम्मच 3 चम्मच, आपका आपकी अलग होती है बच्चों की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और डू यू नो, देखो अ डोज मीन्स, डोज की स्पेलिंग देखो, यहीं पे सब लोग गलत करते हैं, डी ओ ई एस लिखते हैं, डज होता है वो इंग्लिश में यूज होता है, यहाँ पर है डोज, जैसे आप सुनते हो कि हमने एक दवाई का एक डोज खाया, है ना, डोज मतलब उसमें कौन कौन सी दवाई खानी है, 3-4 वो हमने खा ली, मतलब दवाई का डोज खा लिया, है ना, तो उसको डोज में आती है स्पेलिंग डी ओ एस ई। अ डोज मीन्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए मेडिसिन। दवाई की स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर कितनी खानी है आपको, जैसे आपने सिरप में देखा होगा एक उसका एक रबर का प्लास्टिक का ढक्कन आता है, उसमें सब आपको लिखा रहता है कितने ml लेना है ना, तो हम उसी में नाप के जो है उसकी दवाई लेते हैं, आधी गोली लेना है तो आधी गोली लेते हैं, बराबर ना, 1/4 लेना है छोटे बच्चों को तो 1/4 देते हैं, तो उसमें आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, उसको बोलते हैं डोज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डोज, ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है, ये सब फिलअप्स में करना है, नोन है, इसके बाद में डैश कर देना है, ये जो ब्लैक अक्षर में लिखा है जितने भी कौन से डॉक्टर क्या कहलाते हैं वो सब फिर इन द ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है। और टू नेम्स ऑफ बीच में आपके विटामिन आ गए, डिसीजेस आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपको खत्म करना है, ओके, समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। अब ये FA3 जो है चालू होने वाला है, सब लोग रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर टेस्ट में दे भी रही हूँ, बराबर है, पढ़ाई घर पे सबको करनी है, स्कूल खुल भी सकता है तो आपको ऑफलाइन एग्जाम देनी होगी, समझ में आया ना, कल बताया था ना, तो इस हिसाब से, ठीक है, ओके बाय।